नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल मूडी पर। और दोस्तों, आज बताने वाला हूं मैं कि डेटा नेटवर्क पर कैसे ट्रैवल करता है, किस तरह से आपके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर वो पहुंचता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में ठीक से आ सके। और अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो तुरंत लाइक करना, शेयर करना, शेयर बाद में करना, बट हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो भी डेटा होता है हमारा, वो नेटवर्क पर पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। अब पैकेट्स क्या है, जैसे मान लीजिए आपका डेटा है 10 MB का कोई फाइल है, तो उसको वो फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, यानी पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। और हर एक पैकेट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो 1500 बाइट्स का होता है। अब पैकेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये नेटवर्क पर चले जाते हैं, यानी कि आपके IP से ये चले जाते हैं। अब जिस जो पैकेट है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है रैपर, यानी कि आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर रैपिंग कर देते हैं, तो उसको मतलब एक रैपर हो गया। दूसरा होता है हेडर और तीसरा होता है फुटर। हेडर फुटर क्या है कि डेटा कहाँ से सेंड हुआ है वो हो गया आपका हेडर। फुटर यानी डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है, यानी कि कहाँ से डेटा सेंड हुआ है और कहाँ पहुँचना है, ये हो गया। और रैपर बताता है कि आपके पैकेट के अंदर किस टाइप का डेटा है, यानी व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज इन द पैकेट। अब जब ये नेटवर्क के ऊपर चला जाता है, तो नेटवर्क पे जाने पर क्या होता है कि नेटवर्क क्या है, इंटरनेट पे काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ पाथ हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इधर से घूम के जा सकता है, उधर से घूम के जा सकता है। तो जो पैकेट है वो क्या करता है नेटवर्क पे, ये टेक्नोलॉजी है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, यानी कि वो सबसे छोटे से छोटा रास्ता देखता है जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। अब मान लीजिए कि कोई डेटा जा रहा है, जाते जाते उसे उस नेटवर्क यानी कि जो लाइन मिली है, यानी जिस पाथ पर वो जा रहा है वहाँ पर डिस्टॉर्शन है या फिर वहाँ पर डेटा सेंड नहीं हो पाया, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी पाथ पर चला जाएगा, यानी दूसरा पाथ पकड़ लेगा, यानी वो किसी भी तरह से वो डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। अब चक्कर ये है कि मान लो डेटा पहुँचते पहुँचते बीच में करप्ट हो गया, तो जो दूसरा सिस्टम है वो सिस्टम भी आपको यानी कि सेंडर को बता देगा कि आपका ये पैकेट मिसिंग है, आप इसको दोबारा से रीसेंड कर दीजिए। तो इस तरह से डेटा नेटवर्क पर चलता है। दोस्तों, आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आप एक डेटा सेंड करते हैं और वो सेंडिंग फेल हो जाती है, तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है ट्राई अगेन करके, जिस तरह से आता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी मिली सेकेंड्स की होती है और हमें पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी ये हमें रिप्लाई बैक कर देता है। यानी कि अगर आपका डेटा सेंडिंग के टाइम पे फेल हो गया है तो आपके सिस्टम को ये नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी मिल जाएगी और आप दोबारा से अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा सेंड होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैकेट्स की फॉर्म में जाता है और कोई भी एक पर्टिकुलर रूट नहीं लेता, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पाथ में से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो लेता है वो। अगर उसके उस पाथ में कोई डिस्टॉर्शन होती है या कोई दिक्कत होती है तभी वो दूसरा पाथ एक्वायर करता है। तो आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि डेटा सेंड कैसे होता है। सो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक कर दो। चलें, जय हिंद।